पहुंचाने में खबर कर दी। مہربانی کرتے پن خیال تھی پنی فیملی के इसको एक साल के बाद अभी दोबारा फैल रहा है। पंजाब में भी लॉकडाउन हो गया, यहाँ पे भी डीसी श्रीनगर ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि मास्क पहन के आए, क्योंकि यहाँ पे अगर फिर से वायरस फैल गया है तो इकोनॉमिकल जो हालात है वो ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। इसलिए हमें एहतियात करना है, खुद ही हमें एहतियात करना है, क्योंकि वायरस अभी तेज़ी से फैल रहा है। बहुत सारे मुल्कों में भी वायरस फैल गया है। अब यहाँ भी अगर हो गया कि आपको पता है कि पिछले 2 साल से यहाँ पर कितना कारोबारी हालात मुतासर हुए हैं इस वजह से, तो इस वजह से हमने आज ये मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस हो जाए कि मास्क पहन के ही निकलें ताकि वो अपनी इस कोरोना वायरस से फिर बच जाएं। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जी? हमारा एटर फेडरेशन है और मीडिया के मीडिया एसोसिएशन के हम इश्तराक से ये कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया से ये वाबस्ता है और मीडिया के लोग हर जगह जाते रहते हैं और वो प्रकाश में भी खुद रखते हैं। मगर जो आजकल आप देख रहे हैं कि पार्क्स वगैरह में लोग जाते हैं बिना मास्क के जा रहे हैं, क्राउड बहुत है, अगर ये फैल गया ज़्यादा तो फिर परेशानी आ जाएगी लोगों को, इस वजह से हमने एक स्टार्ट। नाज़रीन, अगर आपको हमारी प्रोग्राम पसंद आए होंगे, बेल निशान पे बटन दबाकर हमारी चैनल सब्सक्राइब।